आपको बता दें कि होटल की नगर पालिका ने बंद करा दिया था होटल को। कोटा के रामगंज मंडी से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं होटल शांति पैलेस के। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, होटल को नगर पालिका ने बंद करा दिया था। होटल बंद होने से अशोक जैन काफी ज्यादा परेशान चल रहे थे बताया जा रहा है। होटल शांति पैलेस के मालिक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है बताया जा रहा है। सबसे बड़ी खबर, तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। होटल बंद होने से परेशान चल रहे थे अशोक जैन। खैराबाद रोड से अपने आवास पर लगाई फांसी, साबिर हमारे रिपोर्टर फोन लाइन पर, साबिर क्या जानकारी? जी नलनी, परिजनों के मुताबिक ये अवसाद में थे। अवसाद का कारण इनका था कि इन्होंने लाखों रुपए लगाकर एक होटल बनाई थी। उस होटल को कोरोना काल के पहले पालिका के जो ईओ है पंकज मंगल, उन्होंने अवैध ठहराते हुए उसे तोड़ने की धमकी दी थी और उन्हें प्रतिपादित किया था। आपको बता दें, ये वही पंकज मंगल है जो पिछले महीने 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े थे और अभी जेल में है। दूसरी बात नलिनी, बात दूसरी ये भी सामने आई कि उसके बाद कोरोना काल आ गया, तब से ही होटल का व्यवसाय और इनके शादी ब्याह के जो कार्यक्रम थे वो सब ठप हो गए, तब से वो ज्यादा अवसाद में हो गए।